हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय अवस्थी और आपको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से एपी एक्सरसाइज है हमारी 5.3। तो इससे प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे, मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, उसके अंदर आपको स्टार्टिंग से एपी की जो वीडियोज हैं और लाइव लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज है मंडे और मंडे में होती है हमारी 10th की क्लास। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और डेली या तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी या टर्न वाइज जो होती है आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को आज की वीडियो के पार्ट के अंदर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हाउ मेनी टर्म, यानी हमसे पूछा है कि कितने टर्म लगेंगे, यानी जो आपको एपी दी हुई है, एपी क्या है 9, 17, 25, यानी इस टाइप से आपको एक एपी गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, एपी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें एपी क्या गिवन है, एपी गिवन है 9, 17 और 25, सो ऑन। तो इस टाइप से कोई एपी दी हुई है, हमसे पूछा इसके कितने टर्म होंगे जो जिनका की सम, यानी सबका जोड़, यानी कि 9 प्लस 17 प्लस 25 और भी से आगे जो भी आपके टर्म बनेंगे कि उनका सम जो हो वो कितना हो जाए, 636, यानी 636 उनका क्या होना हो जाना चाहिए, सम हो जाना चाहिए। तो हमें क्या बताना है, इनके जो है आपके मस्ट टेकन बाई गिवन द सम ऑफ 636। तो हमें टर्म बताने कि कितने टर्म इनके यूज होंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं, जो भी है, यानी हमसे ये पूछा गया कि कितने टर्मों का सम जो हो जाएगा, कितने ये आपकी एपी के सीरीज में नंबर आ जाएंगे जिनका की सम कितना हो जाएगा, 636 हो जाना चाहिए। स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट गिवन क्या है हमारा, यानी हमें क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या वैल्यू होती है, ए। इक्वल टू क्या है आपका 9। अब हमें निकालना है डी। डी इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1 कर सकते हैं, सॉरी a2 - क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, यानी कि 17 - 9 कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 17 - 9 इक्वल टू क्या हो गया, 8, यानी कि डी की वैल्यू है हमारी 8। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है उसका टोटल कितना होना चाहिए, यानी Sn गिवन है, Sn कितना है, सम कितना है, सम हमें दिया हुआ है 636। ठीक है, तो अब हमें n की वैल्यू जो है, हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या निकालना है, हमें n निकालना है। ठीक है ना, तो अब यहां पर स्टूडेंट जो आपका फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो क्या होना है, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो यहां से देखो हम सारी ये जो वैल्यूज हैं, Sn की जगह Sn की वैल्यू प्लेस करेंगे, ठीक है, d की जगह पर d को प्लेस कर देंगे, a की जगह पर हम a की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट करते चलते हैं। तो यहां से स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, देखिए Sn की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें Sn की वैल्यू दी हुई है 636, हो गया n अपॉन 2। तो देखो n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो n क्या है, हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो क्या कर देता हूं मैं, n अपॉन 2 ही नोट कर देता हूं, n अपॉन 2 into a, a की वैल्यू क्या है 9, पुट कर दीजिए, प्लस n जो कि हमें पता ही नहीं है, n तो हमारे लिए अननोन है, तो n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 8। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 366 इक्वल टू n बाय 2 ही रहने दीजिए, 2 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, प्लस क्या हो जाएगा, अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दू, n माइनस 1 में 8 की अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 8n - 8। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, दोनों की अगर हम कैलकुलेशन करें यहां से, ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे इसमें अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखिए अब हमें क्या करना है, 2 से अगर मैं देखिए, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, n अपॉन 2 ना, 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 636 इक्वल टू n को बाहर रहने देता हूं, 2 से डिवाइड करूंगा 9 टाइम, प्लस ये क्या हो जाएगा 4n और माइनस के 4। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन हमें किस टाइप से करनी है, 9 में से माइनस क्या हो जाएगा, 9 - 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 5, 9 - 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 636 इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n और ब्रैकेट में, तो यहां से देखिए ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, n 9 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, तो क्या मिल जाएगा, 5 और प्लस के क्या हो गए, 4n। ठीक है, 5 हो गए। अब यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो ओके अगर मैं इस n के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 636 इक्वल टू n की जो 5 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिल जाएगा, 5n, और प्लस n की मल्टीप्लाई 4n में होगी तो क्या मिल जाएगा, 4n स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गई आपकी इक्वेशन। इसे प्रॉपर फॉर्मेट में नोट कर लेते हैं, तो प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मैं नोट करता हूं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन जो मिली है हमें क्या मिली है, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 636। अब क्या करेंगे इसका स्टूडेंट, बिल्कुल प्रॉपर हम क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वही हमारी n की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें इसके अपने इक्वेशन के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए इक्वेशन क्या है, 4n स्क्वायर आपको विजिबल हो रहा है, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस 636। अब 636 की करेंगे हम 4 में मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या करना है कि उसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि वो वैल्यू क्या बननी चाहिए हमारी, 5 बन जानी चाहिए, यानी प्लस माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बननी चाहिए, 5 बननी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से, तो देखिए स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या बनने वाला है, हमें मल्टीप्लाई करनी है 636 इनटू कर देते हैं हम 4, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, क्या 636 इनटू अगर 4 करते हैं तो स्टूडेंट क्या मिलेगा 2544। ठीक है, 2544 हमें यहां से मिल जाएगा। 2544 के अगर हमें फैक्टर कैसे करने हैं, एलसीएम करना है कि हमें 5 आना चाहिए, तो स्टूडेंट वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी देखो 53, और अगर मैं इनटू कर दूं 48 तो इसकी वैल्यू क्या बननी है हमारी, मल्टीप्लाई करके मैं वही मिल रहा 2544। और देखिए अगर मैं यहां से इसमें से सॉरी ये 53 होगा क्योंकि 8 के 24 है तब हमारे यहां पर बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं 53 में से 48 में माइनस कर दूं तो 58 माइनस 43 इक्वल टू क्या मिल रहा है 5, हमारी दोनों कंडीशन जो है वो फिल हो जा रही है। तो स्टूडेंट अब हम इसकी जगह क्या प्लेस कर देंगे, 4n स्क्वायर प्लस यहां पर क्या कर देते हैं 53 माइनस 48 फिर n है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस के 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब n के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देखिए और इन दोनों में से आप देखिए जो हमारे लास्ट के टर्म है और जो फर्स्ट जो हमारे दो जो एलिमेंट हैं हमारे यानी ये और ये, इन दोनों में से हमें यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन में से हमें लेना है कि कॉमन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां पर कॉमन क्या है, यहां पे हमारा कॉमन है n, तो मैंने n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या मिल गया 4n प्लस में क्या मिले हमें 53, 4n प्लस के क्या हो गए 53। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं स्टूडेंट माइनस है क्योंकि देखिए हमें फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस में वैल्यू मिली है तो हमें यहां पर भी प्लस में वैल्यू चाहिए क्योंकि दोनों ब्रैकेट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो एक तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा हमें 12 कॉमन मिल जाएगा। जब मैं इसमें से 12 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 4n और फिर से मिल जाएगा प्लस के 53 क्योंकि अगर मैं 12 से 636 को डिवाइड करता हूं तो कितनी बार डिवाइड होता है वो 53 टाइम्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या है ब्रैकेट में, ये वैल्यू क्या है हमारी 4n प्लस के 53 और सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा n माइनस 12। अब आप यहां से देखिए अगर मैं यहां से थोड़ा जगह बना लेता हूं करता हूं, अब देखिए हमें ये वैल्यू क्या बनी है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 यानी कि 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 53 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 53 अपॉन 4। वेरी गुड, एक तो वैल्यू हमें ये मिल गई, सेकंड ब्रैकेट से लेते हैं तो यहां से सेकंड जो हमें वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 12। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास में दो वैल्यू आई हैं, n इज इक्वल टू माइनस के 53 अपॉन 4, ठीक है माइनस के 53 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू आई है n इज इक्वल टू 12। तो आपको भी पता होना चाहिए क्वेश्चन के लिए कि ये जो वैल्यू जो होती है माइनस वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, नेगेजिबल मान लिया जाता है। ठीक है, तो वैल्यू कौन सी मानी जाएगी आपकी, प्लस वाली, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 यानी कि स्टार्टिंग के जो आपके 12 टर्म होंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इसी तरीके से स्टार्टिंग के 12 टर्म होकर जब हम सम कर लेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा उसका 636। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं। अब देखिए आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसे रख दिया देता हूं।
चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव पे। अब क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे क्या कर रहा था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फाइव दिया हुआ है, फाइव है। द लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो स्टूडेंट देखिए लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म को नोट करते हैं एल से, यानी एल की वैल्यू हमें गिवन है, एल की वैल्यू क्या है 45, एंड द सम ऑफ द सम इज 400, यानी कि एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 400, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, यानी एन की वैल्यू, एन कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की वैल्यू। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से तो देखिए आपके जो क्वेश्चन, चलिए आपको क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं इन्हें हम नोट कर लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म को क्या डिनोट करते हैं, ए से, यानी कि ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है आपको 45, यानी कि हमें एल की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू क्या है 45, और सम दिया हुआ है यानी एस एन की वैल्यू क्या है 400, ठीक है। एस एन की वैल्यू क्या है 400, यानी कि सम ऑफ एपी दिया हुआ है हमें, सम ऑफ टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहां से जितना कि हमें जो दिया हुआ है, ए की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू, तो इनसे रिलेटेड हमें फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, फिर क्या यूज करते हैं हम, ए प्लस एल, ये क्या होती है, ये वैल्यू ए है, ठीक है ना, ए प्लस एल, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम ये सारी वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं इन्हें इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं हम इसमें, Sn की वैल्यू क्या है आपकी 400 है, तो 400 आ गया, 400 इक्वल टू n, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है n अपॉन 2। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है आपको 5, प्लस l की वैल्यू क्या दी हुई है 45। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा, अब देखिए 400 इक्वल टू n अपॉन 2, 45 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ठीक है 50 हो जाएगा। अब यहां से इसे मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो कितना हो गया 25 टाइम, यानी कि 400 इज इक्वल टू 25 इनटू n, सो n इज इक्वल टू 400 अपॉन क्या हो गया 25, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इसे डिवाइड कर दूं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका 16 टाइम, यानी n की वैल्यू क्या मिल गई आपको 16। देखिए एक आंसर आपका आ गया है n की वैल्यू, यानी हमसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें पता चल गया n की वैल्यू क्या है आपकी 16। अब हमें क्या करना है, अब दूसरा निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट d के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, अब हमें d की वैल्यू चाहिए। अब देखो n की वैल्यू भी हमें पता चल गई है और आपकी a की वैल्यू भी पता है, तो स्टूडेंट अब हम लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो देखिए L क्या है, यानी लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 इक्वल टू A की वैल्यू क्या दी हुई है 5 पुट कर देते हैं। N की वैल्यू अब हमें पता चल गई, N की वैल्यू क्या है 16, तो यहां से लिख कर देते हैं 16 माइनस 1 इंटू क्या है D, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये वैल्यू क्या है, प्लस में है, इधर से अगर हम इसकी साइड चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 45 माइनस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो ये क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 इंटू D, सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 40 अपॉन 15। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 5 से, अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 8 अपॉन 3। तो यानी कि देखो आपसे क्या पूछा था, n की वैल्यू पूछी थी, n की वैल्यू क्या होगी 16, और d की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 8 अपॉन 3, यानी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको गिवन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें से फाइंड आउट करना है कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए तो स्टूडेंट्स एपी ये जो है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, आप इसे बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है आइए देखते हैं सिक्स को देखते हैं। सिक्स में हमें क्या दिया हुआ है,
द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. अब देखिए फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है एल की वैल्यू, ये दोनों है. द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए बी आर 17 एंड 350. यानी ए की वैल्यू क्या है 17 एंड एल की वैल्यू क्या दी हुई है 350. नोट कर लेते हैं. तो देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 17 और आपको एल की वैल्यू क्या दी हुई है 350. ठीक है, दो वैल्यू आपको दे दी. अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली If the common difference is 9, यानी कि किसकी वैल्यू होगी d की वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या है आपकी b is equal to क्या है 9. ठीक है, d की वैल्यू होगी 9. How many term are there and what is their sums? यानी कि हमें टर्म क्या है, यानी कि हमें क्या निकालना है n और इनका सम यानी sn की वैल्यू. अब देखो दो वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू और n की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा sn की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए n की वैल्यू. तो n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं मैं, जब हमें l दिया हुआ है और a दिया हुआ है तो l इज इक्वल टू क्या लगा दूं a प्लस n माइनस 1 इनटू d, क्योंकि d की वैल्यू भी हमें दी हुई है. तो l की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 350. तो क्या हो गई 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दीजिए 17 प्लस n, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा d 9. ठीक है, अब देखिए 350 में से 17 इधर ड्राइव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 9. अब 350 में से क्या करेंगे 17 को आप माइनस करते, तो 350 में से 17 गए तो कितने बचे आपके 333, यानी कि 333 आ गया. ठीक है ना, 333 इज इक्वल टू क्या मिल गया n माइनस 1 इंटू 9. अब क्या करेंगे, यहां पर 9 की गुणा हो रही है, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 333 अपॉन 9. इससे इसे डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, 339 को 9 से डिवाइड कीजिए तो हमें मिलेगा यहां से 37. ठीक है, क्या मिल गया 37. ठीक है, अब देखिए 37 मिल गया, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर ये वैल्यू माइनस में है, साइड चेंज होने पे आप जानते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38. तो n की वैल्यू क्या बन गई आपकी 38. तो देखिए n की वैल्यू हमसे पूछी थी, n की वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट एक एक करके हम वैल्यू को फाइंड आउट करते चले जाते हैं. ठीक है, अब देखिए आपको n की वैल्यू पता चल गई है, अब हमें क्या चाहिए sn यानी कि सम, हमें क्या करना है सम निकालना है इसका. ठीक है, तो सम के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या यूज करने वाले हो आप, सम के लिए हम यूज कर लेते हैं एस एन इजकल टू ए प्लस एल, यानी एस एन इजकल टू क्या यूज कर लेते हैं एन अपॉन टू और प्लस में क्या करते हैं ए अपॉन एल. अब देखिए आपको सारी वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू आपको पता है एन टर्म क्या है आपका 38 है, तो 38 पुट कर देते हैं अपॉन टू कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है 17 और प्लस एल की वैल्यू क्या है एल की वैल्यू है आपकी 350. ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं कैंसिल कर दूंगा तो 19 मिल जाएगा, यानी sn is equal to 19 और देखिए 17 plus 350 क्या हो जाएगा 367. ठीक है ना, तो यानी कि अगर 19 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 367 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो sn is equal to क्या हो जाएगा 19 into 367 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 6973. ठीक है, तो आपको इसका सम क्या मिल गया sn की वैल्यू क्या मिली है, यहां से sn की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो क्या हुई है 6973 ये वैल्यू बन गई और n की वैल्यू क्या निकल के आई थी, n की वैल्यू आई थी यहां से 38. तो स्टूडेंट आपके दोनों आंसर जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के पार्ट में हमने एक्सरसाइज आपकी 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है. नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए, आपकी कोर्स की चीज है आपके मार्क्स में बहुत हेल्प करेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी और क्लास के, जैसे कि इस समय जो है मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे क्या होती है आपकी 10th क्लास की वीडियो होती है, ठीक है, और इसके बाद क्या होती है लास्ट डे जो होते हैं आपके वीक के उसमें हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट अगर आप अदर क्लास के हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए भी वीडियो बना लूंगा, तो शेड्यूल में डाल दूंगा स्टूडेंट, लाइव क्लास भी होती है हमारे चैनल पे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.